हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। इंडियन इकोनॉमी रिवीजन हमारा बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं इन 16 दिनों के अंदर, और आज है हमारा 17वां दिन इस सीरीज का। 17 तारीख 17वां दिन और बज रहे हैं शाम के 5। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हम नया चैप्टर पॉवर्टी। अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा 8वां चैप्टर है। मैं बार बार आपको इसलिए याद दिलाता रहता हूँ जैसे आपको पता लगता रहे कि हाँ भाई, हम काफी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं इतने ही शॉर्ट स्पैन के अंदर। और जो मेरे को पर्सनल डीएम्स आते हैं उसमें मुझको सब यही रिप्लाई आता है कि सर, आप फॉर्मेलिटी के नाम पर रिवीजन नहीं करा रहे हो। आप बिल्कुल ऐसे रिवीजन करा रहे हो कि जैसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, बट थोड़ी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम हमारा कम है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। ऑल्दो सबसे इजीएस्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर भी है ये। तो ये लेक्चर जो, ये चैप्टर जो है हमारा करीबन करीबन 3 क्लास तक जाएगा। मतलब आज 17 तारीख, कल 18 तारीख और परसों 19 तारीख तक ये चैप्टर जाएगा। बट आप सबर बनाए रखना, स्लो चलेंगे लेकिन बढ़िया तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कॉन्स्टिट्यूट बना था, जब असेंबली बनी थी, तो 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, क्या बोला था कि हमने आजादी तो ले ली है, लेकिन हमको अगर आजादी का भरपूर यूज करना है तो हमको एक तो इनइक्वालिटी हटानी पड़ेगी, जो भी भेदभाव हो रहा वो हटाना पड़ेगा, प्लस हमको पॉवर्टी भी हटानी पड़ेगी, इसके अलावा डिसीजेस भी हटानी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के उन्होंने जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स थी उसमें पॉवर्टी को हाईलाइट किया था, और बोला था इनइक्वालिटी को हटाएंगे, बीमारियों को हटाएंगे, पॉवर्टी को हटाएंगे, इग्नोरेंस को हटाएंगे। तो इन सारी चीजों को हटाना मेन का मेन मोटिव था। अब टाइम पास वाली बातें नहीं करेंगे, सीधा चैप्टर पे आएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है पॉवर्टी की डेफिनेशन। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या बोलती है? इनएबिलिटी। ये क्या है? इनएबिलिटी है किस चीज की? आप बस बेसिक नेसेसिटी को जब आप पूरा नहीं कर पाते हो, उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? पॉवर्टी की सिचुएशन बोला जाता है, या फिर आपको पुअर बोला जाता है। अच्छा, बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और आजकल इसमें एक चीज और जुड़ चुकी है, वो है एजुकेशन। तो मतलब आप अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आप पुअर कहलाओगे या फिर आप पॉवर्टी में हो, ये आप कहलाओगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉवर्टी मीन्स मतलब इनएबिलिटी टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, या बेसिक नीड्स या बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी के दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटेड, क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी। आज मैं बड़ा स्लिप कर रही है मेरी टंग, तो माफ करना इस बात को लेकर। तो दो टाइप की पॉवर्टी होती है हमारी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ही यही होता है कि आप एक्चुअल में पुअर हो, और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है आप किसी के कंपैरिजन में पुअर हो। इसका मैं सबसे फेवरेट एग्जांपल देता हूँ, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कंपैरिजन में हम पुअर हैं, और हमारे कंपैरिजन में कोई और पुअर है, उसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है बिल्कुल एक्चुअल में आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो, और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? आप किसी के कंपैरिजन में आप पुअर हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेना, 1 मार्क में पूछी जा सकती है। ओके, अब आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे द फॉलोइंग पर्सन, या ये पर्टिकुलर पर्सन पुअर है कि नहीं? तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, जनरल रीडिंग वाली चीजें हैं, हम एक बार उसको फटाफट रीड करके खत्म कर देंगे। तो सबसे पहला, क्या उनके पास ज्यादा असेट्स होंगे या कम असेट्स होंगे? द आंसर इज उनके पास कम असेट्स होंगे, दे विल पोसेस फ्यू असेट्स। ओके, आप बोलोगे सर असेट्स हैं तो पुअर कैसे हुए? बड़ा असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति मतलब वो अकाउंट्स वाली असेट्स नहीं होते, हर टाइप के असेट्स को भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो कच्चे घर में रहते हैं, मिट्टी की उनकी दीवारें होती हैं, ठीक है, घास से उनकी छत होती है, बैम्बू। ठीक है, टाइम पास वाली चीज बताई उन्होंने कि यहाँ पर बहुत झोपड़पट्टी में रहते हैं, इन शॉर्ट सरल शब्दों में। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत पुअरेस्ट होते हैं उनके पास तो ये भी चीज नहीं होती, ये भी चीज मतलब ये झोपड़पट्टी भी नहीं होती कुल लोगों के पास, वो तो स्ट्रीट लाइट के नीचे सोते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बोला रूरल एरिया की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे जो लैंडलेस लेबर्स हैं, या फिर उनके पास अगर लैंड है तो वो वेस्ट लैंड है, ये चीज आप कह सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, या तो उनके पास बहुत कम असेट्स हैं, वो कच्चे घर में रहते हैं, कुछ के पास तो कच्चा घर भी नहीं होता है, लैंडलेस लेबर्स होते हैं, या फिर उनके पास लैंड होता है तो वो वेस्ट लैंड होता है। ठीक है, इसके अलावा उनके पास 2 वक्त खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है, भूखे पैसे रहते हैं। इसके अलावा उनके पास बेसिक लिटरेसी स्किल्स,
या फिर उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम होती, मतलब क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी होती नहीं है कि वो आगे चल के नौकरी कर पाए और काम पर कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी स्किल्स ही नहीं होती, उतनी एजुकेशन ही नहीं होती है, मतलब पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं होते हैं कि उनको नौकरी दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हाँ भाई उनके पास अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है उनको, मतलब उनको कोई भी परमानेंट जॉब नॉर्मली नहीं मिलती है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होता है, मतलब क्या वो प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन प्रॉपर वो खाना पीना नहीं खा पाते हैं और इस वजह से वो फिजिकली वीक भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनको बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ना, उनको लूटा जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लीगल वेजेस नहीं ले पाते। लीगल वेजेस का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के इतने पैसे बनने चाहिए, तो लोग उनको गरीबी देख के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, उनको उतने पैसे नहीं देते हैं जितने वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा वो मनी लेंडर से लोन बोरो करते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में होते हैं और वो लोन में डूब जाते हैं। मतलब कुल मिला के मतलब सारी दर्दनाक चीजें जो होती हैं वो पुअरों के साथ ही होती हैं, और जो आपके दिमाग में दर्दनाक चीज आती है वही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पुअर की, ठीक है। इसके अलावा वो आज भी लकड़ियों पे या कंडों पे अपना खाना बनाते हैं, भैया जी हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है, एनवायरमेंट वाले चैप्टर में अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, वो मोमबत्ती जलाकर जीते हैं, पता है हमको, पता है। उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस नहीं होती है, जो सरकारी नल का आता है वही वो पानी पीते हैं, जो हैंडपम्प आता है ना उससे पानी पीते हैं वही वाला। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी तो बहुत रहती है उनके बीच में, एम्प्लॉयमेंट रहता है, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो भैया आदमियों की रहती है वहां तो फिर लड़के को देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं, ये सारी चीजें इसके अंदर। इसके अलावा हाँ भाई विमेन बहुत ज्यादा मतलब वहां पे सफर करती है, पुअर लोगों में विमेन सबसे ज्यादा सफर करती हैं, क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है, बेबीज भी बॉर्न करने होते हैं, उनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, हेल्थ केयर उनके पास बिल्कुल भी नहीं होती है, और उनके बच्चे मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाते हैं या मुश्किल से वो हेल्दी पैदा होते हैं, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। तो अभी तक हमने जो भी देखा इसके अंदर, हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि जो बताते हैं कि ये पर्सन फलाना पुअर है, ठीक है, नो नीड टू लर्न दिस, बस हम चार पांच कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये फलाना बंदा पुअर है तो कैसे पुअर है, मतलब उनके पास असेट्स कम होंगे, कच्चे घर में रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, खाना पीना नहीं है, नौकरी नहीं है, ये सारी चीजें जनरल लेवल पर आप बता सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पुअर को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड असेट्स, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पुअर को, कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेट्स एंड ऑक्यूपेशन, मतलब क्या वो काम करते हैं और उनके पास वो क्या असेट है, ठीक है। तो दो टाइप के उन्होंने पुअरों की बात करी, एक बात करी रूरल पुअर की और एक बात करी अर्बन पुअर की, ठीक है। तो रूरल पुअर की बात करते हैं, सबसे पहले वो तो लैंडलेस होते हैं, ठीक है, या फिर अगर लैंड होता है तो बहुत ही कम लैंड होल्डिंग होती है, मतलब वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, या तो वो बिल्कुल ही उनके पास लैंड नहीं होगा, या बहुत ही कम होगा, या फिर वो नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स में एंगेज्ड होंगे, या वो टेनेंट होंगे, मतलब कुल मिला के उनके पास अपनी जमीन नहीं है या तो बहुत ही कम होगी, वो किराए की जमीन पर काम करते हैं, उनको बोला जाता है रूलर पुअर। और अर्बन पुअर को क्या बोला जाता है, अर्बन पुअर को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहला वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर आए इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा वो अपने ठेल वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वही सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है, पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा हुआ, ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा जो कैजुअल जॉब्स करते हैं दिहाड़ी वाले टाइप्स, जो लेबर होती है ना हमारे अनस्किल्ड लेबर होती है, उसके अलावा जो रोड साइड पर बहुत ज्यादा काम करते हैं, रोड साइड पर वो मोची वाला काम भी हो गया, ठेल वगैरह भी हो गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ये आपको चीज क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने देख लिया कि पॉवर्टी क्या होती है, जो बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, दो टाइप्स की पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअल में पुअर है और रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में पुअर है। और हमने देखा कौन कैसे पुअर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो हमने कम से कम 15 रीजंस देखे हैं कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल था, एक प्लेन रीडिंग लगाना आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ असेट्स, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, या उनके पास असेट्स कैसे है, रूरल पुअर में या उनके पास लैंड होगा नहीं, होगा तो बहुत ही कम होगा, या वो किराए की जमीन पर काम कर रहे होंगे। और अर्बन एरिया के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एक तो वो रूरल एरिया से माइग्रेट होकर आए होते हैं, दूसरा वो रोड साइड ठेले वगैरह मतलब रोड साइड काम कर रहे होते हैं, या फिर वो कैजुअल जॉब काम कर रहे होते हैं।
इसको बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर असेट्स। ओके, हु आर पुअर, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर पता लगा लिया। अब पुअर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, अगर कोई पर्सन गरीब है तो कैसे पता लगाया जाए ये गरीब है। तो हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस से पहले की बात और इंडिपेंडेंस की बात की बाकी कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा था। ठीक है, तो पढ़ते इस पर्टिकुलर टॉपिक को, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की, कि कैसे पुअर को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तो सबसे पहले दादाभाई नौरोजी किसका कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो वन मार्क का क्वेश्चन यहां पर आपका आ चुका है कि कौन, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, द आंसर इज दादाभाई नौरोजी। ठीक है, और उन्होंने क्या यूज किया था, उन्होंने यूज किया था जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि आपको बैठे बैठाए कितना खाना मिल सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करे, उसको बोला जाता है जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि आप जेल में रहते हो, एक होती है श्रम जेल और एक होती है अश्रम जेल। श्रम जेल का मतलब क्या होता है कि आपको मेहनत भी करवाई जाएगी, आपसे काम भी करवाया जाएगा और फिर आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। और होती है अश्रम जेल जिसमें आपसे मेहनत नहीं करवाई जाती, बस आपको एक कोठरी में बंद करके रखा जाता है। तो उन्होंने उस जेल ऑफ कॉस्ट लिविंग की बात करी थी कि जब आप बिना कोई काम करे जो खाना पीना करते हो उसमें कितना खर्चा आता है, अगर वो भी आप बियर नहीं कर पाते हो तो मतलब आप वो क्या हो, पुअर हो। ठीक है, तो देखो इन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इन्होंने ना पूरी क्लास पूरी पॉपुलेशन को तीन पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक बात करी एडल्ट को, एक बात करी एडोलेसेंट्स को। ठीक है, नॉन जो चिल्ड्रंस कह सकते हो, ये चीज क्लियर हो गई। और चिल्ड्रन में भी उन्होंने दो टाइप के चिल्ड्रन बताए, एक इन्फेंट और एक जो थोड़े से एडोलेसेंट है। तो बात करते हैं कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया पॉवर्टी लाइन को, कैसे बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में। और चिल्ड्रंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्फेंट एंड एडोलेसेंट में। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट पेज पर आता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्लियरली इन्होंने क्या बताया। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि हमारी पूरी कंट्री के अंदर उस टाइम पर जब जेल कॉस्ट ऑफ प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात हो रही है, टू थर्ड वॉज एडल्ट, वन थर्ड वॉज चिल्ड्रन। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो, टू थर्ड हमारे एडल्ट्स थे और वन थर्ड हमारे क्या थे, चिल्ड्रंस थे। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रंस में भी हाफ इन्फेंट्स थे और हाफ हमारे एडोलेसेंट्स थे। ये चीज क्लियर हो गया। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको बाइफर्केट करूं, टू थर्ड हमारे एडल्ट्स थे, वन सिक्स्थ हमारे इन्फेंट्स थे और वन सिक्स्थ हमारे चिल्ड्रन थे, एडोलेसेंट थे। वन सिक्स्थ कैसे आया, वन बाय थर्ड का हाफ। ठीक है, वन बाय सिक्स। ये आपको चीज समझ में आई या नहीं आई, टू थर्ड तो एडल्ट हो गए, वन थर्ड क्या हो, हमारे चिल्ड्रन हो गए। वन थर्ड का आधा आधा करो, वन थर्ड का आधा मतलब वन सिक्स और वन थर्ड का आधा मतलब वन सिक्स। तो वन सिक्स इन्फेंट थे और वन सिक्स हमारे एडोलेसेंट वाले थे। तो इन्होंने बोला एडल्ट की मील पूरी होती है, एडल्ट की मील पूरी होती तो उसको वन से डिनोट किया गया। इन्फेंट्स की जो भूख होती है वो नेजिलेबल होती है, क्योंकि वो मदर्स मिल्क पर जीते तो उनकी जो डाइट थी वो जीरो रखी गई। और जो एडोलेसेंट थे उनको माना गया कि वो एडल्ट की मील के आधा खाते, मतलब उनकी जो वो थी मील थी वो हाफ थी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एडल्ट टू थर्ड है, चिल्ड्रन वन थर्ड है और वन थर्ड में आधे इन्फेंट है और आधे एडोलेसेंट है। और इन्होंने क्या बोला, जो एडल्ट्स हैं उनकी मील है वन, मतलब फुल मील है। इसके अलावा जो इन्फेंट्स हैं उनकी मील है जीरो, क्योंकि वो मदर्स मिल्क पर डिपेंड करते हैं। और जो एडोलेसेंट है उनकी जो वो क्या कहते हैं, जो डाइट है वो है हाफ। हाफ मतलब जो एडल्ट खाता है उसका आधा कौन खाता है, एडोलेसेंट खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका वेटेड एवरेज किया। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, टू थर्ड मेल है वो वन मील करते हैं, तो टू थर्ड इंटू वन प्लस वन सिक्स हमारे इन्फेंट है उनकी डाइट क्या होती है, जीरो, तो वन सिक्स इंटू जीरो। और वन सिक्स हमारे एडोलेसेंट है तो वन सिक्स इंटू वन बाय टू मतलब वन बाय ट्वेल्व। इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थ्री बाय फोर। तो इन्होंने पॉवर्टी लाइन को ऐसे डिराइव किया कि वो क्या, थ्री फोर्थ है एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार उसको पेन पेपर पर लिख कर देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, आई होप आपको ये जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये थ्री फोर्थ कैसे आया। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट कर देना, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूंगा।
नहीं तो मैं कल वाले लेक्चर में इसको एक बार डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बात रही थी कि इसकी प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात रही थी। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की, और यहां पर आ गए हैं आपके वन मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 1962 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म किया, प्लानिंग कमीशन, एक स्टडी ग्रुप बनाया जो आइडेंटिफाई करेगा पुअर्स को। ठीक है, कब बनाया था, 1962 में बनाया था प्लानिंग कमीशन, एक स्टडी ग्रुप जो आइडेंटिफाई करेगा पुअर को। इसके अलावा 1979 के अंदर एक और बॉडी बनाई गई गवर्नमेंट द्वारा, उसका नाम क्या था, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। बड़ा अजीब सा नाम है, याद कर लेना, टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। मतलब अगर मैं इसको बताऊं एक सिंपल से, अगर आपको रटना हो कैसे बनाया, लोगों की मिनिमम नीड्स और लोगों की कंजम्पशन डिमांड जो होती है, लोगों की जो मिनिमम नीड्स हैं और लोगों की जो कंजम्पशन डिमांड है वो कैसी होगी, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसका नाम पड़ गया टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड, जो ये भी आइडेंटिफाई कर रहा था कि लोगों की मिनिमम नीड क्या है और जो पूरा ना हो तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि उनमें से पुअर कौन है। और तीसरा 1989 और 2005 में कौन क्या बनाए गए, एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए जो आइडेंटिफाई करेंगे कि पुअर कौन है। और इसके अलावा काफी सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट ने भी अटेम्प्ट किया वो आइडेंटिफाई कर पाए कि नंबर ऑफ पुअर कितने हैं, उनके नाम नहीं है। जैसे हमारे पास पहले चैप्टर में हमारे पास नाम थे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट ने पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, दादाभाई नौरोजी, फिडले शिराज, विलियम डिगबाय, वीकेआरवी राव, आरसी देसाई, तो इसमें वो नाम नहीं है। ठीक है, तो वहां पर यहां पर आपकी टेंशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने क्या दे रखा है एक बार पढ़ेंगे फटाफट से। तो इन्होंने अभी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूं, मतलब हमने देखा क्या है, हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में हाउ वी आइडेंटिफाई पुअर, ये वाले टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करी और पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करी है। पोस्ट तो बहुत ही सिंपल है, इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है, 1962 में स्टडी ग्रुप बनाया गया, 1979 में टास्क फोर्स बनाई गई और 1989 और 2005 में एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पुअर हैं। इसके साथ साथ कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी अटेम्प्ट किया ये फाइंड आउट करने के लिए कि पुअर कौन है। और पोस्ट सॉरी प्री इंडिपेंडेंट पीरियड की बात करें तो दादाभाई नौरोजी ने कॉन्सेप्ट निकाला था, किसका कॉन्सेप्ट निकाला था, पॉवर्टी लाइन का, जिसमें उन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेस्ड पर आइडेंटिफाई किया था नंबर ऑफ पुअर्स कैसे हो सकते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई किया था, तो इन्होंने पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2/3 वर एडल्ट एंड 1/3 वर चिल्ड्रन। ठीक है, और 1/3 में भी आधे कौन थे हमारे इन्फेंट्स थे और बाकी बचे हुए एडोलेसेंट थे। और उन्होंने क्या बोला, 2/3 जो हमारे एडल्ट हैं वो फुल मील करते हैं, मतलब 1 पूरी मील होगी, इन्फेंट्स की 0 मील होती है क्योंकि वो मदर मिल्क पर बेस्ड होते हैं, और जो बाकी जो एडोलेसेंट है उनकी जो मील होती है वो एडल्ट की बराबर आधी होती है। तो इन्होंने इसका वेटेड एवरेज निकाला, वेटेड एवरेज क्या निकाला, 2/3 एडल्ट्स इनटू 1 मतलब उनकी फुल मील है। इन्फेंट कितने थे, 1/6, 1/6 कैसे आया था, 1/3 हमारे चिल्ड्रन से, 1/3 का आधा मतलब 1/3 का आधा मतलब 1/6 हमारे इन्फेंट से, उनकी डाइट कितनी थी, 0, तो उन्होंने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 × 0। और बचे हमारे बाकी बचे हुए एडोलेसेंट्स, तो उनकी डाइट 1/6 × 1/2 मतलब 1/12। तो आप इसको आप सम अप करोगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। तो उन्होंने 3/4 एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग की कैलकुलेशन करके दिखाई थी। मैंने एक बार आपको यहाँ पर फिर से समझा दिया, एग्जाम में बाय चांस कभी आए कि एडल्ट्स की जो डाइट थी वो कितनी एज्यूम करी गई थी, इन्फेंट्स की कितनी एज्यूम करी गई थी, बाकी चिल्ड्रंस की कितनी एज्यूम करी थी, तो आपको ये सारी चीज क्लियर हो। अब आगे बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अब इन्होंने पुअर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक है हमारे पुअर और एक होते हमारे नॉन पुअर। फिर से रिपीट करते हैं, एक होते हमारे पुअर और एक होते हमारे नॉन पुअर। जरा आपके स्क्रीन पर डायग्राम आ चुका है पुअर का नॉन पुअर का। तो पुअर मतलब जो पॉवर्टी लाइन के इधर है वो हमारे हैं कौन से, पुअर, और जो लाइन के इस साइड है उन्हें बोला जाता है नॉन पुअर। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले आता हमारा एब्सोल्युटली पुअर, मतलब जो बहुत ही भयंकर वाले पुअर है, वेरी पुअर मतलब उससे थोड़े से अमीर लेकिन है तो वो पुअर ही। फिर आते हैं पुअर मतलब क्या कि उनके पास मतलब हो जाता है काम, थोड़ा बहुत चल जाता है उनका। फिर आते हैं नॉट सो पुअर, नॉट सो पुअर का मतलब क्या होता है, जिनकी एक टांग पॉवर्टी के अंदर लगी रहती है,
होता है ना कि जस्ट ऊपर है पॉवर्टी, मतलब कभी मतलब उनका बस गुजारा चल रहा है, किसी तरह से उनका गुजारा चल रहा है, अदरवाइज वो भी बहुत दिक्कत में है। मिडिल क्लास हम जैसे लोग, अपर मिडिल क्लास थोड़े से हमसे बड़े लोग, रिच पता ही है, वेरी रिच पता ही है, मिलियनेयर पता ही है, और बिलियनेयर तो भैया सबको ही पता है, एलन मस्क अंबानी जी, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो पॉवर्टी लाइन ने पुअर और नॉन पुअर में क्लासिफाई किया है। पुअर हमारे तीन तरीके के बताए गए, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर एंड पुअर, और नॉन पुअर में तो बड़ी लंबी कतार है, नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनेयर, बिलियनेयर, और बिलियनेयर से भी एक ऊपर आता है कौन, वो आता है हमारा रिची रिच। हमारा कार्टून आता था अगर आपको याद हो, रिची रिच करके, तो वो सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इन्होंने देखो बोला गया, पुअर भी उन्होंने बताया दो तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर एंड द पुअर। इन्होंने वो ये पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम को, एक बार आपको बस ये लाइन पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब देखो इन्होंने थोड़ा सा और जो रिच नॉन पुअर उनको भी उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है, वो मिडिल, अपर मिडिल, रिच, वेरी रिच एंड एब्सोल्युटली रिच। अब बात करते हैं डायग्राम के बारे में जरा। अब ऊपर आइए, जरा एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डायग्राम देख के बताया पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से कैटेगरी का पुअर है। तो ध्यान रखना, आपको डायग्राम आपके दिमाग में होने चाहिए और आप उसको चाहो तो प्रैक्टिस एक बार कर लेना बनाकर, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वन मार्क के अंदर आपको डायग्राम दिया जा सकता है ये बोलने के लिए आइडेंटिफाई करो, या फिर वन मार्क में आपको टाइटल बता दिया जाएगा ये पुअर है, इसका डायग्राम आप ड्रॉ करके बता दो, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर के अंदर दो पुअर आते हैं, एक होता है ऑलवेज पुअर जो हमेशा ही पुअर है, और यूजुअली पुअर मतलब कभी कभार किस्मत चमक गई तो चमक गई, वरना वो रहते तो वो पुअर ही हैं। बस उन्होंने बस एक एरो उन्होंने लाइन के ऊपर बना दी, पॉवर्टी लाइन के ऊपर, मतलब कभी कभार लॉटरी लग गई, जुए पैसे जीत गए तो बस पैसे बढ़ गया, अदरवाइज वो रहते पॉवर्टी लाइन के नीचे ही हैं। अच्छा, फिर आता हमारे ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर का मतलब क्या होता है, जो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन जाने की कोशिश करते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रांजिएंट पुअर। तो उसमें सबसे पहले आता है चर्निंग पुअर आता है, और चर्निंग पुअर क्या बोलता है, जो कभी हाँ कभी ना, मतलब क्या, कभी पुअर कभी नॉन पुअर, इस कैटेगरी के अंदर वो रहते हैं। और एक होते हमारे ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर ये वो लोग होते हैं जो बैड लक का शिकार हो जाते हैं, वैसे तो रहते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है, लेकिन कभी घाटा पड़ गया, कभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो इस केस में बहुत, जब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते, तो उनको बोला जाता है ओकेजनली पुअर। और उसके बाद आते हमारे नॉन पुअर। नॉन पुअर में कौन आता है, हमारा नेवर पुअर। नेवर पुअर मतलब जो कभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं जाता, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम से कि क्या कहानी चल रही है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और नीचे वाली पॉवर्टी लाइन को भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर, पुअर, नॉट सो पुअर, ठीक है, उसके बाद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनेयर, बिलियनेयर, ऐसे आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। और देखो अभी जो हमने डायग्राम्स देखे हैं ना, इन्हीं के हम अब हम क्या करने देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला आता हमारा क्रॉनिक पुअर। ऑलवेज पुअर मतलब जो हमेशा ही, ऑलवेज रिमेन बिलो पॉवर्टी लाइन। और यूजली पुअर का मतलब क्या होता है, कभी कभार उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाती है, समटाइम्स दे गॉट एक्स्ट्रा मनी। ट्रांजिएंट पुअर में पहले कौन सा आता है, चर्निंग पुअर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांजिएंट पुअर के टाइप्स बताओ, या फिर क्रॉनिक पुअर के टाइप्स बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। या कभी केस आ सकता है कि चर्निंग पुअर्स कहते हैं यूजली पुअर आर अ पार्ट ऑफ ट्रांजिएंट पुअर, ये भी आ सकता है, शफलिंग करके भी पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकता है। तो यहां से वन मार्क्स के क्वेश्चन की भरमार बन सकती है। तो इस पर्टिकुलर चीज को दो तीन बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा ना हो कि नंबर कट जाए और पता भी ना चले, क्योंकि 100 से 99 कब होते ना पता नहीं चलता। हम सोच के जाते कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, लेकिन हम ऐसी सिली मिस्टेक्स कर आए होते, फिर बाद में हम देखते हैं धोखा हो हमारे साथ। ओके, तो ओकेजनल पुअर की डेफिनेशन को पता लगेगा, वो रहते तो रिच ही है, लेकिन कभी कभार बैड लक या कुछ मुश्किलों के कारण वो पुअर हो जाते हैं। और नॉन पुअर तुमको पता ही है कि जो कि नेवर पुअर होते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अब देख रहे हो कितनी स्पीड में चल रहा है चैप्टर, मतलब इतना ईजी चैप्टर है ये, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, और लेंथी होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने
करीबन करीबन दो पेज कंप्लीट कर ली है। एक बार मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन है क्या। ठीक है, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग हमने देख ली, वो पहले चल रही थी। अब देखो ये तो आपको बहुत, मतलब आप इस टाइम अगर ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, तो ये आपके बाय हार्ट आपके ब्लड में आ चुका है कि 2400 कैलोरी रूरल एरिया के अंदर आती है और अर्बन एरिया के अंदर हमारी 2100 कैलोरीज आती हैं। अगर आप इतना मिनिमम कैलोरी इनटेक कर रहे हो दैट मींस यू आर नॉट पुअर, और अगर आप इससे कम कर रहे हो दैट मींस यू आर पुअर। मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है इस कैटेगराइज के ऊपर, ठीक है। अब मान के चलो मेरा वेट ज्यादा है, एक्चुअल में मेरा वेट ज्यादा है और मैं डाइटिंग कर रहा हूं, मैं ना 2000 कैलोरी से नीचे खाता हूं, तो क्या मैं गरीब? आंसर इज नो, मैं गरीब नहीं हूं। और तो मैं इंटेंशनली कैलोरी इनटेक कम कर रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरा जो पेट है वो वापस अंदर चले जाए, बट वो अभी नहीं जा रहा है, तो मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हूं क्या? द आंसर इज नो। क्या मैं पुअर हूं क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, ये चीज यहां पर आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं, तो मतलब ये चीज एक्चुअल में उतनी ठीक नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये हम आगे पढ़ेंगे क्या कैलोरी इनटेक या मिनिमम मंथली एक्सपेंडिचर करना। आगे चलो आगे पढ़ लेते, पहले देखो ये तो पता लग गया कि अब कैलोरी इनटेक 2400 कैलोरी से कम है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी से कम है, तो आपको माना जाता है कि आप पुअर या पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन हो। और उन्होंने एक और बोला कंजम्पशन बेसिस भी बोला है कि अगर आप रूरल एरिया में हो और 816 रुपए खर्च कर रहे हो और अर्बन एरिया में 1000 रुपए से नीचे खर्च कर रहे हो तो आप पुअर हो, और इससे ऊपर खर्च कर रहे हो तो आप क्या हो? अमीर हो। ठीक है, अमीर मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अच्छा वन मार्क में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि गवर्नमेंट क्या यूज करती है इन प्रॉक्सी ऑफ इनकम हाउसहोल्ड। ठीक है, पुअर को आइडेंटिफाई करने में हर एक की इनकम तो हमको पता नहीं होती है। ठीक है, हमारे घर के हर एक के घर में जाके तो पता लगाएंगे, पूछेंगे नहीं कि भाई तेरी इनकम कितनी है, वो बताएगा भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसका कुछ अप्रोक्सीमेट कुछ भी ऑल्टरनेटिव चूज किया, और ऑल्टरनेटिव क्या है कि वो महीने में पर पर्सन कितना खर्च कर रहा है, ये ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किया है। और इससे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन इतने से कम खर्च कर रहा है तो मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, और इतने से ऊपर खर्च कर रहा है तो मतलब वो अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो 816 है हमारा गांव में रूरल एरिया में, और 1000 रुपए हमारा किसमें? अर्बन एरिया में। अच्छा एक बात बता दूं, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हो तो वो एनसीईआरटी का फैक्ट है, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हो तो डेटा चेंज हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बाद में बोलो कि सर ने गलत पढ़ाया या बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है, हम कंफ्यूज हो गए। आपकी बुक में जो लिखा हो, आपने पूरे साल जो पढ़ा हो, आप उसको ही याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये हमको चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमने ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लिया। अब वही मेरा सवाल आ गया जो मैं आपसे बोलने वाला था कि कैलोरी इनटेक या एक्सपेंडिचर बेस क्या इनएडिक्वेट है या एडिक्वेट है? दे आर इनएडिक्वेट या दे आर नॉट एडिक्वेट। अब कैसे पता लगा सकते हो कि कोई अगर पर्सन कम खा रहा है या कम खर्च कर रहा है तो वो गरीब है? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नेशन वॉन्ट्स टू नो। तो देखो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आपने पुअर को सबको इकट्ठा कर दिया है, वेरी पुअर, पुअर और क्या कहते हैं एब्सोल्युटली पुअर। इसमें सबसे ज्यादा नीड किसको है? एब्सोल्युटली पुअर को सबसे ज्यादा नीड है, उससे कम नीड वेरी पुअर को, उससे कम नीड पुअर को। लेकिन आपने सारे पुअर्स को इकट्ठा कर दिया है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि एब्सोल्युटली पुअर कौन है और वेरी पुअर कौन है। अगर आपने पॉवर्टी लाइन में डायग्राम याद हो तो पॉवर्टी लाइन से इधर तीन टाइप के पुअर मैंने बताए थे, एक एब्सोल्युटली पुअर, एक था वेरी पुअर और एक था पुअर। आपने पॉवर्टी लाइन के नीचे सबको ग्रुप कर दिया, लेकिन आपने आइडेंटिफाई तो किया ही नहीं कि वेरी पुअर कौन है, एब्सोल्युटली पुअर कौन है और पुअर कौन है। ठीक है, ये समझ में। तो उन्होंने ये बोला कि दे आर नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन वेरी पुअर एंड द अदर पुअर्स। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहां पर ये आती है कि उन्होंने बोला 2400 से नीचे तो सब पुअर, 2100 से नीचे तो सब पुअर। तो सब पुअर कौन सा, कितना पुअर है भाई, ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ओके, उसके अलावा उन्होंने बोला कि ऐसा करने की वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किसको ज्यादा जरूरत है किसको कम जरूरत है। जो एब्सोल्यूट पुअर है उसको ज्यादा ज्यादा मदद की जरूरत है इन कंपैरिजन टू पुअर पर्सन। ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज यहां पर इनएडिक्वेट हमको दिखाई दे रही है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड्स द हेल्प द मोस्ट,
कौन से पुअर को सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने पुअर को सबको इकट्ठा करके रख दिया है। इसके अलावा सिर्फ खाने पीने का फैसला नहीं होता है कि खाना पीना उनके पास क्या कहते हैं खाना पीना कम कर रहे हैं या खर्चे कम कर रहे हैं तो वो पुअर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, जैसा क्या वो बेसिक एजुकेशन ले पा रहे हैं, क्या उनके पास बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, क्या उनके पास ढंग से पीने का पानी पहुंच रहा है, क्या उनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज है, तो ये चीज भी आपको चेक करनी होती है पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ इनकम या असेट्स के तौर पर नहीं देखना कि पुअर है कि नहीं, आपको ये सारी चीजें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी वरना आप नहीं कर पाओगे कुछ। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी है, क्या सोशल फैक्टर्स को तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। सोशल फैक्टर्स मतलब इलिटरेसी कितनी है, इल हेल्थ कितनी है, रिसोर्सेस कितना एक्सेस है, उनको सोशली कितना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है लोगों को। होता नहीं है कुछ लोगों को, आप कुछ लोग होते हैं जो गरीब देख के मुंह बनाने लग जाते हैं, कौन से आ गए यार, भीख मांगने आ गए, कुछ लोग होते हैं ऐसे, मतलब उनको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो आपने वो वाले फैक्टर्स भी कंसिडर नहीं करे। कोई अगर गरीब ढंग से खा पी रहा है तो उसका मतलब गरीब नहीं है, एक्चुअली गरीब है, क्यों नहीं है, उसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मैं भावनाओं में बह जाता हूं कभी कभार, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आगे देखो उन्होंने ये बोला है, बहुत सारे लिमिटेशंस हमने देख ली, ऊपर वाले सारे लिमिटेशंस देख ली हमने, तो कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ पढ़े लिखे विद्वानों ने ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढे कि हम क्या पुअर को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उनमें एक आते हैं हमारे अमर्त्य सेन जी, जिनको नोबेल अवार्ड मिल चुका है, उन्होंने अपने एक इंडेक्स नंबर निकाला था, उसको बोला जाता सेन इंडेक्स, और वो सेन इंडेक्स से पुअर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे। इस सेन इंडेक्स में क्या था वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, नॉलेज के लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और भी दे रखे हैं, जैसे पॉवर्टी गैप इंडेक्स या स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये उन्होंने कुछ और मेथड्स भी बताए गए हैं, ये नाम आप रीड कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर फाइंडिंग और टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर। तो अमर्त्य सेन का सेन इंडेक्स, पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये कुछ नाम आ सकते हैं फॉर वन मार्क, या टिक द करेक्ट, ये चीज आप ध्यान में दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के कुछ लास्ट मोमेंट है तो हम पढ़ लेते हैं एक बार, सॉरी आज की क्लास के लास्ट मोमेंट है। देखो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ग्रोथ रेट हाई हो रही है हमारी इकोनॉमी की। हाँ भाई, हमको भी पता है ग्रोथ रेट हाई हो रही है इकोनॉमी की, ग्रोथ रेट तो हमारी हाई हो रही है इकोनॉमी की, ये चीज आपको पता लग गई। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इकोनॉमी की हमारी जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, रूरल एरिया में हम पॉवर्टी के कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए और इस वजह से पॉवर्टी में कमी आई है। गवर्नमेंट ऐसा क्लेम करती थी कि 1990 के बाद रिफॉर्म्स आने के बाद ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, रूरल एरिया में हमारा क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रिफॉर्म्स पैकेजेस आए, तो इससे पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है। लेकिन हमारे जो कुछ पढ़े लिखे विद्वान हैं उन्होंने अपना दिमाग चलाया और ये बताया, क्या बताया, डेटा कौन कलेक्ट करता तुम, एनालिसिस कौन करता तुम, बता भी कौन रहा है तुम कैसे मान ले, हर चीज तुम ही बता रहे हो पॉवर्टी कम हुई, हमको तो दिख रही है ना ग्राउंड लेवल पे, हमको पॉवर्टी दिख रही है और तुम बोले पॉवर्टी कम हो गई, कैसे कम हो गई, मतलब आपने बाइस्डनेस दिखाई है, हमको आपके मेथड पर भरोसा नहीं है कि आपने कैसे डेटा कैलकुलेट किया है, या जो आप नंबर ऑफ पुअर बता रहे हो वो आपने कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इकोनॉमिक्स ने गवर्नमेंट के क्लेम पर डाउट रेस किया और उन्हें बताया कि आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया ये पता नहीं, कैसे मेथोलॉजी फाउंड आउट करी पॉवर्टी लाइन क्या है, नंबर्स ऑफ पुअर कैसे आपने आइडेंटिफाई करे, आपने नंबर्स को मैनिपुलेट किया, ये हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका जो फैक्ट है वो ट्रस्टवर्दी फैक्ट नहीं है जो आपने क्लेम किया कि नंबर ऑफ पुअर्स कम हो गए हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? हाँ, एग्जाम से कुछ पूछा नहीं जाएगा इसमें से, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ विद्वानों ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए थे, ठीक है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स क्या होती है? पॉवर्टी से आपको बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी, उनका मेन एम क्या था? उनका मेन एम सिर्फ एक ये चीज था कि लोगों को अच्छी खासी लाइफ
जी पाए, अच्छी खासी लाइफ, इन द सेंस मतलब वो पढ़ लिख पाए, अच्छे से काम कर पाए, अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाए, उनको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल पाए, क्योंकि उनके पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ ऑब्स्टेकल्स रिमूव करना चाहते हैं। ऑब्स्टेकल्स मतलब क्या, जिससे लोग कुछ अपनी लाइफ में कर पाए, जैसे इलिटरेसी को वो हटाना चाहते थे, इल हेल्थ को वो हटाना चाहते थे, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस को हटाना चाहते थे, और जो उनका सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम है उसको वो हटाना चाहते थे, जो उनको रिस्ट्रिक्शन दे रहा था। होता ना कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम्हारे घर को आके अपवित्र कर रहे हो, गंदा कर रहे हो, बाहर निकलो, कुछ लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो मेन एम था किसका, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स का। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 5 बजे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जोर शोर से अपना रिविजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।